नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था। जी हाँ, कमेंट करके उस दिन और उस तारीख को जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश भर में टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर, जानिए अब तक कितने टीके लगाए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, देश भर में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 18 करोड़ कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते दिन 19,75,000 टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी। बता दें कि बीते दिन 18 से 44 साल के बीच के लोगों को 4,37,000 टीके लगाए गए हैं। इस तरह इस टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ग में 39,14,618 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आने वाले तूफान को लेकर मौसम विभाग का भारी अलर्ट, इन राज्यों में भयंकर बारिश के साथ मचेगी तबाही। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को चेतावनी जारी की थी कि अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र 16 मई तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिससे गोवा और दक्षिणी कोंकण क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी रिपोर्ट में कहा कि यह शनिवार सुबह तक इसी क्षेत्र में गहरे दबाव का क्षेत्र में बदल जाएगा और उसके बाद अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। उसके बाद उत्तर पश्चिमी गुजरात और पाकिस्तान के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। यह चक्रवाती तूफान 18 मई की शाम तक गुजरात तट के नजदीक पहुँच सकता है। इसके कारण दक्षिणी कोंकण गोवा के क्षेत्र में शनिवार को कई स्थानों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, गरीब कोरोना मरीजों को मुफ्त में मिलेगा पका हुआ भोजन, मजदूरों को मिलेगा 3,000 रुपए भत्ता। जी हाँ दोस्तों, पंजाब सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में रहने वाले कोरोना वायरस से संक्रमित गरीब मरीजों को निःशुल्क पका हुआ भोजन दिया जाएगा, जबकि रजिस्टर्ड मजदूरों को 3,000 रुपए गुजर बसर भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में यहाँ हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया है। राज्य सरकार की विज्ञप्ति में बताया गया है कि शुक्रवार से कोविड से पीड़ित गरीब और वंचित लोग निःशुल्क पके हुए खाने के लिए 181 और 112 पर फोन कर सकते हैं, जो पंजाब पुलिस के जरिए उनके घर पहुंचाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश के इन राज्यों के अंदर बड़ा ब्लैक फंगस का खतरा, मरीजों की हो रही है मौत, आंखों की जा रही है रोशनी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 4 अस्पतालों में 30 से अधिक मरीज मिले हैं। वही रामकृष्ण अस्पताल में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की वजह से रायपुर निवासी 40 वर्षीय एक महिला की आंख की रोशनी चली गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में अब तक 4 और नरसिंहपुर में एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना महामारी के चलते संकट में ऑटो सेक्टर, वाहन डीलरों ने वित्त मंत्री और आरबीआई से मांगी मदद। जी हाँ दोस्तों, वाहन डीलरों ने कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर से व्यावसायिक रूप से बचे रहने के लिए माल एवं सेवा कर भुगतान से 3 महीने की छूट समेत राजकोषीय समर्थन की मांग की है। उद्योग सूत्रों के अनुसार वाहन डीलरों का निकाय FDA फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को पत्र लिखकर तत्काल राहत देने का आग्रह करते हुए उन्हें क्षेत्र में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीकाकरण, जानिए कितनी रहेगी कीमत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को एक अहम घोषणा की। उसने बताया कि कोविड 19 महामारी के खिलाफ रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी अगले सप्ताह की शुरुआत में देश भर के बाजारों में उपलब्ध होगी। सरकार की ओर से यह घोषणा रूस से हैदराबाद में स्पुतनिक वी वैक्सीन के 1,50,000 खुराक की पहली खेप पहुंचने के 12 दिन के बाद सामने आई है। भारत में स्पुतनिक वी को $10,000 प्रति खुराक पर बेचा जा सकता है, यानी कि ₹750 प्रति डॉलर। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बड़ा फैसला, अमेरिका में अब वैक्सीन लगा चुके लोग बिना मास्क के निकल सकते हैं घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण की मार झेल चुका अमेरिका अभी से मात देता हुआ नजर आ रहा है।
यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी ने कहा कि अमेरिका में टीका लगा चुके लोग अब बिना मास्क पहने या फिर 6 फीट की दूरी से अपनी गतिविधियां कर सकते हैं। हालांकि यह नियम उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां पर अभी टीकाकरण चल रहा है या सरकार ने अभी भी पाबंदियां लगा रखी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, आम आदमी के लिए राहत भरी खबर। खाने पीने के दाम कम रहने के कारण घटी महंगाई दर, मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच हर तरफ सिर्फ निराश और हताशा देखने वाली जानकारियां ही सामने आ रही है। इस बीच महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 के दौरान खाने पीने की चीजों के दाम में कमी दर्ज की गई। इससे खुदरा महंगाई दर पर सीधा असर पड़ा है। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर मार्च 2021 की 5.52% से घटकर अप्रैल 2021 में 4.21% पर पहुंच गई, जो पिछले अनुमान के आसपास ही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा इन नियमों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण को हराने के लिए टीकाकरण पर जोर दे रही दिल्ली सरकार अब इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने की तैयारी में है। इसी क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया की बैठक में निर्णय लिया है कि 45 प्लस आयु वर्ग के लोग अब बिना रजिस्ट्रेशन करवाए सीधे वैक्सीनेशन केंद्रों पर जाकर टीका लगवा पाएंगे। वैक्सीनेशन केंद्रों पर ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय भी हुआ है कि वैक्सीनेशन केंद्रों को अस्पतालों से शिफ्ट कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खोला जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, ओडिशा सरकार का ऐलान, अब घर से बाहर निकलने के बाद 2 साल के बच्चे को भी करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब ओडिशा सरकार ने माता पिता से कहा है कि 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनाइए। इंडियन अकेडमी पेडियाट्रिक्स के सुझावों के बाद राज्य सरकार ने ये निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, त्योहारों के शुभ अवसर पर एक बार फिर से देश में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे देश में ईद के त्योहार के साथ ही अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त भी है। अगर आपने भी इस दिन कहीं जाने का प्लान बनाया है तो घर से निकलने से पहले 1 लीटर पेट्रोल डीजल का भाव जरूर जान ले, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते दोनों ईंधन के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की दाम 29 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के 34 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार के देश भर के अन्य शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसको आप मौजूदा डीजल के भाव और पेट्रोल के भाव में जोड़कर अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, केंद्र सरकार लेकर आई सस्ते में सोना खरीदने का मौका, जानिए कब तक उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सस्ते में सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो केंद्र सरकार आपके लिए खास ऑफर लेकर आई है, जिसमें आप सस्ता सोना खरीदकर निवेश कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री 17 मई यानी कि सोमवार से शुरू हो रही है। यह 5 दिन तक चलेगी, यानी आपके पास 5 दिन बाजार में कम रेट से सोना खरीदने का मौका है। पहली किस्त के तहत 17 से 21 मई के बीच खरीद की जा सकेगी और 25 मई को सोवरेन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, विपक्षी दल नहीं जुटा पाए बहुमत, नेपाल में केपी शर्मा ओली फिर से बने प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, केपी शर्मा ओली को फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तमाम कोशिशों के बाद भी नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का विपक्षी गठबंधन गुरुवार को नई सरकार बनाने के लिए सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में नाकाम रहा। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने विपक्षी दलों को गुरुवार रात 9 बजे तक नई सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत के साथ आने के लिए कहा था, लेकिन विपक्षी धड़ों के बीच गुटबाजी की वजह से आपसी सहमति नहीं बन सकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, अगले कुछ महीनों में देश को उपलब्ध होगी 2 अरब वैक्सीन की खुराक, हर नागरिक के टीकाकरण संभव। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में कोरोना के टीके की कमी के बीच केंद्र सरकार ने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच 5 महीनों में देश में 2 अरब से अधिक खुराकें उपलब्ध करवाई जाएगी, जो पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त है। केंद्र ने यह भी कहा कि रूस का कोविड-19 रोधी टीका स्पुतनिक भी अगले सप्ताह तक उपलब्ध होने की संभावना है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, यूपीएससी का बड़ा फैसला, स्थगित की अपनी यह परीक्षा, इस दिन आयोजित होंगे एग्जाम।
जी हाँ दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा को स्थगित कर दिया है। सिविल सेवा की प्री परीक्षा का आयोजन 27 जून को किया जाना था, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इस परीक्षा को स्थगित किया गया है। आयोग ने परीक्षा को स्थगित करने के साथ इसकी नई तारीख भी जारी कर दी है। अब सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 10 अक्टूबर को किया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।